तकलीफ है या वहाँ इजहार साहब से कोई तकलीफ है? मुझसे तकलीफ होगी तो हो सकता है मेरे अख्तियार में नहीं हो कि मैं आपको खुश कर सकूं, लेकिन ये बा अख्तियार है, ये आपको खुश कर देंगे। अगर कोई तकलीफ हो तो इनसे मिलिए आप आकर के, और अगर कोई तकलीफ नहीं है तो मुस्कुराइए। नबी की महफिल में बैठे हैं आप, ऐसा लगना चाहिए कि आप खुश होकर के बैठे हैं, कोई जबरदस्ती आपको नहीं बैठाना है, है ना? जरा मोहब्बत से सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर तरफ रे माशाल्लाह, हर तरफ दे खीर रे की घटा छाई है, हर तरफ दे हर तरफ दे। मैं समझ रहा हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, क्योंकि आप सब लोग हमारे अजमत भाई को सुनने के लिए आए हुए हैं सुभान अल्लाह, लेकिन वो भी मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, बहुत जल्द आपके हवाले उनको किया जाएगा, आपकी तिश्नगी वो बुझाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी नबी की नात पढ़ रहा हूँ, मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर तरफ दे ये रहमत की घटा छाई है, हर तरफ दे ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है, ऐसा लगता है मदीने से। अब एक शेर सुनिएगा, अपनी तरह कहने वालों जरा आईना देखना फिर फैसला करना, क्यों आपके चेहरे को कहा है रब ने, अपनी तरह कहते हैं आपके चेहरे को कहा लकब पाई है, नारे तकबीर नारे रिसालत गुलशन ए तैबा कॉन्फ्रेंस जनाबे जौहर वशालवी उलमाए अहले सुन्नत। समझता हूँ कि आपके ऊपर से शायद बाउंस हुआ है, मगर उलमा ने समझा है क्या
आपके ज़ुल्फ़ आपके ज़ुल्फ़ ने वल्ले ले लकब पाई है आपके एक गिरह लगाया है मैंने जी हाँ, वो क्या है सुनिएगा इमामी भाई खास दुआएं हुस्न सर का रे दुआ में कशिश है ऐसी मुख्तार भाई हुस्न सर का रे दुआ में कशिश है ऐसी हुस्न सर का रे दुआ में हुस्न शीशे है ऐसी हुस्न से कहा ये दुआ लम्मे कशिश है ऐसी हर नजर ला सत दीदारी की शैदा दीदारी की शैदाई है हर नजर ज़द दीदार एक शेर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है ऐसा लगता है मदीने से बाद मरने आपकी तवज्जो सुन रहे हैं आप मेरी आवाज पहुंच रही है बाद मरने के मुझे कब्र में फौरन रख दो ऐसा यकीन मारिए मुझको लग नहीं रहा है कि ये शेर आपके दरमियान में पढ़ रहा हूँ एक मिसरा अगर कोई सुने ना सुने मौलाना इजहार साहब अपनी दुआओं से नवाज दिए मैं समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा कहा है क्या है बाद मरने के मुझे कब्र में फौरन रख दो बाद मरने के महबूब रब के महबूब से मिलने की घड़ी आई है रब के महबूब नारे रिसाले उलमा अहले सुन्नत गुलशन रब के महबूब से मिलने की घड़ी आई है रब के महबूब से मिलने की एक
एक शेर में पढ़ता हूँ जिसमें थोड़ा सा गजल का थोड़ी सी उसकी बू है। क्या है सुनिएगा। फुरकते बने बेचैन किया है दिल को, फुरकते बने बेचैन किया है दिल को, फुरकते और मैं अपनी जगह लेता हूं। करम नवाज। पढ़ने में जो सुकून मिलना चाहिए वो सुकून मुझको मिला नहीं, क्योंकि अफरा तफरी का मैं शिकार हो गया। सुनिएगा। नजदियों अपनी तरह उनको बशर कहते हो, नजदियों अपनी तरह उनको, नजदियों अपने तरह को बशर कहे कहे हो, जान लो तो जान लो तो जहां में तेरी रुसवाई है, जान लो तो जहां में तेरी रुसवाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है, ऐसा लगता है मदीने